हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बात बताइए, क्या आपको आर्ट पसंद है? क्या स्केच बनाना आपको बहुत अच्छा लगता है? और क्या आप स्केचिंग में ही अपना करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये वाकई में एक अच्छा थॉट है, क्योंकि आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक स्केच आर्टिस्ट बन सकते हैं और अपने स्किल्स और टैलेंट के दम पर एक शानदार करियर बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा, ये सब भी तो जानना होगा। इसीलिए तो हमने आज का ये वीडियो बनाया है, जिसमें हम आपको स्केच आर्टिस्ट बनने से जुड़ी सारी जरूरी बातें बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आप ये डिसाइड कर पाए कि स्केच आर्टिस्ट बनना आपके लिए परफेक्ट करियर ऑप्शन हो सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि स्केच आर्टिस्ट कौन होता है। अक्सर ये समझ लिया जाता है कि एक स्केच आर्टिस्ट वही है जो लॉ एनफोर्समेंट के लिए स्केचेस बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में स्केच आर्टिस्ट वो है जो स्केचिंग टेक्निक्स का यूज करके इमेजेस को क्रिएट करता हो। जब कैमरा नहीं हुआ करता था, तब स्केच आर्टिस्ट ही अपने टैलेंट से कोर्टरूम प्रोसीडिंग्स को भी शोकेस करते थे, किसी ऑथर की बुक में उसके विजन को भी कैप्चर करते थे, एडवर्टाइजिंग में, न्यूज़पेपर्स में और मैगजीन्स में भी अपना टैलेंट शो करते थे। और आज स्केचिंग के लिए क्रेज फिर से बढ़ा है, इसीलिए स्केच आर्टिस्ट के लिए स्कोप भी बना है। अब आर्ट लवर्स की कोई कमी नहीं है, इसलिए आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स की वॉल्स पर भी आर्टिस्ट के स्केचेस डिस्प्ले हुआ करते हैं। स्केचिंग ऐसी आर्ट है जिसमें आर्टिस्ट का एक्सपर्ट होना जरूरी है, ताकि वो पेंसिल्स, चारकोल और पेस्टल्स का यूज करके पीपल, प्लेसेस और थिंग्स को परफेक्टली डिस्प्ले कर सके। वैसे आपको भी ऐसे ही स्केचेस पसंद आते हैं ना, जो हूबहू उस पर्सन, थिंग या प्लेस जैसे हो जिसे देखकर स्केच बनाया गया हो? तो यही एक स्केच आर्टिस्ट की एक्सपर्टीज होती है, कि उसने एक्सप्रेशन और इमोशंस को एकदम सटीक तरीके से एक्सप्रेस किया हो। यहाँ तक पहुँचने के लिए ढेर सारा पैशन, इंटरेस्ट और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। और हाँ, क्रिएटिव माइंड और इमेजिनेशन तो इस प्रोफेशन की पहली डिमांड ही समझिए। एक सक्सेसफुल स्केच आर्टिस्ट बनने के लिए जरूरी है कि आपको पर्सपेक्टिव, कॉन्ट्रास्ट, शेडोज और लाइट को इस तरीके से अप्लाई करना आता हो जिससे रियलिस्टिक इमेज तैयार हो सके। स्केच आर्टिस्ट ऐसा प्रोफेशनल होता है जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए स्केचेस और ड्राइंग्स बनाता है। एक स्केच आर्टिस्ट आर्किटेक्चर फर्म में भी एम्प्लॉयड हो सकता है, जहां वो बिल्डिंग्स और होम्स के स्केचेस बनाए, और वो पुलिस डिपार्टमेंट में भी एम्प्लॉयड हो सकता है, जहां विक्टिम्स और क्राइम सीन्स के स्केचेस बनाने हो। कुछ स्केच आर्टिस्ट पढ़ाना पसंद करते हैं, तो कुछ कार्टोग्राफर और साइंटिस्ट के साथ फील्ड में काम करना पसंद करते हैं। जो स्केच आर्टिस्ट पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं, उन्हें फॉरेंसिक आर्टिस्ट कहा जाता है, और उन्हें बिना कुछ देखे सिर्फ विटनेस की मेमोरी के बेस पर एकदम रियलिस्टिक और एक्यूरेट पोर्ट्रेट बनाना होता है। अब ये आर्टिस्ट की चॉइस होती है कि वो कौन से फील्ड में वर्क करना चाहता है, यानी वो एंटरटेनमेंट फील्ड में वर्क करना चाहता है या फिर फॉरेंसिक आर्टिस्ट की तरह काम करना चाहता है। स्केच आर्टिस्ट बनने के लिए बहुत सारी ऐसी स्किल्स का होना भी जरूरी है, जो आपको एक सक्सेसफुल स्केच आर्टिस्ट बनने में हेल्प करेंगी। यानी परफेक्ट और रियलिस्टिक स्केच बनाने के लिए आर्टिस्ट में पर्सपेक्टिव, प्रोपोर्शंस, कंपोजिशन, एनाटॉमी, लाइटनिंग, एजेस, जेस्चर, कॉन्सेप्ट, स्टाइल की ग्रेट नॉलेज होना तो जरूरी है ही। साथ ही उसके पास ग्रेट हैंड आई कोऑर्डिनेशन, स्टेडी हैंड्स और स्ट्रॉन्ग लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का होना भी जरूरी है। और एक कोर्टरूम स्केच आर्टिस्ट के पास एक्यूरेट टेक्निकल स्किल्स का होना भी जरूरी है। वैसे स्किल्स के बाद अगर ये जाने कि स्केच आर्टिस्ट बनने के लिए किस तरह की एजुकेशन की जरूरत होती है, तो यूं तो स्केच आर्टिस्ट बनने के लिए किसी तरह की फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसे आर्टिस्ट जो अपने स्केच आर्ट करियर को लेकर के बहुत सीरियस है और एक सक्सेसफुल स्केच आर्टिस्ट के तौर पर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं, वो अपने करियर को सिक्योर करने के लिए फॉर्मल डिग्री ले सकते हैं, जो उनके टैलेंट और स्किल्स को सपोर्ट भी करे, डेवलप भी करे और हायरिंग के टाइम पर प्रेफरेंस भी दिला सके। क्योंकि कई एम्प्लॉयर्स डिग्री के बेस पर जॉब ऑफर करते हैं और कुछ डिग्री एंड एक्सपीरियंस के बेस पर भी। अगर आप फ्रीलांस वर्क करना चाहते हैं, तो भी सेम सिनेरियो आपको मिल सकता है, जिसमें कुछ क्लाइंट्स के लिए आपका टैलेंट और वर्क ही काफी होगा, जबकि कुछ क्लाइंट्स और कंपनीज आपको वर्क ऑफर करने से पहले आपका काम देखने के साथ साथ डिग्री भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि जिसे आप करियर बनाने की सोच रहे हैं, उसकी नींव को पक्का करें।
यानी एजुकेशनल लेवल पर भी अच्छा परफॉर्म करें। इसके लिए आप ड्राइंग एंड पेंटिंग में बैचलर डिग्री भी ले सकते हैं और फाइन आर्ट से ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत से ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेशंस भी अवेलेबल है जिनके जरिए आप अपनी स्केचिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं। ऐसे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज हैं स्किल शेयर का इंक ड्राइंग टेक्निक्स, स्किल शेयर का गेटिंग स्टार्टेड विद ड्राइंग, यूडमी का कैरेक्टर आर्ट स्कूल, यूडमी का एनाटॉमी फॉर फिगर ड्राइंग और पोर्ट्रेट ड्राइंग एटसेट्रा। रिक्वायर्ड एजुकेशन लेने के साथ अपने वर्क को शोकेस करने के लिए ये बेहतर होगा कि आप अपना पोर्टफोलियो भी बनाएं। अपने कोर्स के दौरान भी आप बहुत से असाइनमेंट्स को पूरा करेंगे जिनमें से बेस्ट वर्क को आप अपने पोर्टफोलियो में शोकेस कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी स्केचिंग स्किल्स में प्रोग्रेस होती जाएगी अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहिए। और हाँ, इंडिया आर्ट फेस्टिवल भी इसमें आपकी हेल्प कर सकता है जो एक कंटेम्प्रेरी आर्ट फेयर है और आर्ट गैलरीज, आर्ट डीलर्स, ऑनलाइन आर्ट गैलरीज और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। और इस तरीके से प्रॉपर नॉलेज, स्किल्स और प्रैक्टिस की हेल्प से आप एक सक्सेसफुल स्केच आर्टिस्ट बन सकते हैं और अपने इस पैशन को सक्सेसफुल करियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसे ऑलरेडी लाइक कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। अगला कौन सा टॉपिक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं उसका नाम हमें लिख भेजिए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही और ऐसी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।